साथियों, गहरी नींद अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। यदि रात में नींद गहरी आती है तो हमारा दिन अच्छा बीतता है, हम ज़्यादा फोकस्ड होकर के ज़्यादा प्रोडक्टिव अपने दिन में रह पाते हैं। गहरी नींद में ही हमारे शरीर की इनर हीलिंग होती है, हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हील होते हैं। आपका अनुभव होगा, देखा या सुना होगा, डॉक्टर्स भी किसी बीमार को पहले सोने की दवाइयां देते हैं क्योंकि उसी कंडीशन में शरीर की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और दवाइयां काम करने लगती हैं। यदि किसी गलती की वजह से, अज्ञानता की वजह से दोस्तों आप अपनी गहरी नींद को खो चुके हैं, आज आपको उसका इंतजार रहता है, तो इस वीडियो में मैं कुछ सिंपल स्टेप आपसे शेयर करूंगा। यदि आप सोने से पहले उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित ही आप अपनी गहरी नींद को वापस पा लेंगे, जो आपके पास थी ही मगर कुछ इग्नोरेंस की वजह से आपने उसे खो दिया। ये गाइडेड मेडिटेशन तो नहीं होगा, लेकिन मेडिटेशन के स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगा, जिन्हें निश्चित ही आप अभ्यास कर बहुत आसान होंगे, आप फिर से उसी गहरी नींद का आनंद लेंगे, आपका दिन भी अच्छा बीतेगा, आप बीमारियों से भी बाहर आने लगेंगे। रात में सोने से पहले साथियों आप सीधे बिस्तर पर जाकर के लेटते हैं, सीधे लेट जाइएगा, कोई हलचल ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप लेटने के बाद में जो दूर की आवाजें हैं, जो आपसे कमरे के बाहर की आवाजें हैं, उनके साथ में एक होने की कोशिश करें, उनका विरोध ना करें। ट्रैफिक की आवाज है, कुत्ते बिल्ली की आवाज है, किसी पक्षी की आवाज है या कोई और आवाज है, आप ये विरोध ना करें, ये क्यों है, मैं कैसे सो पाऊंगा। आप उसके साथ एक हो जाएं, एक होने के बाद में लेटे रहिएगा, एक मिनट से लेकर के 2 से 3 मिनट तक आप उस आवाज़ के साथ जुड़ जाइएगा, बिना विरोध के आप जुड़िएगा। उसके बाद में आप अपने ध्यान को वापस धीरे धीरे कमरे के अंदर ले आइएगा। अब कमरे के अंदर की आवाज़ों पर अपना ध्यान लगाएं। आवाज़ हो सकती है फ़ैन की आवाज़ हो सकती है, एसी की आवाज़ हो सकती है, आपकी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ हो सकती है, और कोई भी आवाज़ है जो आपके कमरे के अंदर है, उन पर अपना ध्यान लगाएं। बस अब आप इस स्टेप पर भी विरोध नहीं करेंगे, कमरे की आवाज़ों के साथ भी एक होंगे, अपना ध्यान लगाएंगे, उनके साथ में जुड़ेंगे, सहजता से उन्हें स्वीकार करेंगे। 2 से 3 मिनट आप अपना ध्यान वहाँ पर लगाए रखिएगा। इसके बाद में अब अपना ध्यान और नज़दीक ले आइएगा, अपना ध्यान अब अपने शरीर पर ले आइएगा। शरीर के अंदर आपको किसी तरह की आवाज सुनती है तो आप उन पर लगाइएगा, थोड़ी देर सोचिएगा, देखिएगा, कुछ सुनाई पड़ता है तो उस आवाज के साथ भी अपने ध्यान को लगा लें। हो सकता है अब आप लेटे हैं, दिन भर के हारे थके हैं, शरीर में कहीं दर्द हो सकता है, पीड़ा या चुभन हो सकती है, अपने शरीर को एक बार स्कैन कर लें, सर से पैरों तक, पैर से सर तक, जहां पर भी दर्द, चुभन या पीड़ा है, अब अपने ध्यान को वहां पर ले जाइएगा। महसूस करिएगा कि वो दर्द बाहर आता जा रहा है, आप ठीक होते जा रहे हैं, वो शरीर का अंग रिलैक्स फील करता जा रहा है, आप स्वस्थ होते जा रहे हैं, शरीर का वो पार्ट जहाँ पर दर्द है ठीक होता जा रहा है, अब आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही आप पाएंगे, आपने जैसे ही अपनी अटेंशन, जैसे ही अपना ध्यान उस शरीर के अंग पर लगाया जहाँ पर कोई दर्द था या चुभन थी, वो दूर होने लगा, आप रिलैक्स महसूस करने लगे। इसके बाद में बस अपना ध्यान आप अपने शरीर पर, सर से पैर तक, पैर से सर तक, 2 से 3 बार आप ले जाइएगा और महसूस करिएगा कि मैं रिलैक्स होता जा रहा हूँ, मैं शांत होता जा रहा हूँ, मैं रिलैक्स होता जा रहा हूँ, मैं शांत होता जा रहा हूँ, मैं रिलैक्स होता जा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप स्टेप समझते आ रहे होंगे साथियों। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। शरीर के बाद अब आप अपना ध्यान फाइनली अपनी श्वास के साथ जोड़िएगा। ना लंबा करना है, ना छोटा करना है, बस श्वास के साथ में एक हो जाना है। अंदर जाती है श्वास, ध्यान भी अंदर जाता है, बाहर आती है, ध्यान भी आपका बाहर आता है। श्वास के साथ जैसे ही आपका ध्यान जुड़ेगा, जैसे ही माइंड, आपका मन श्वास के साथ जुड़ेगा, आप पाएंगे कि ये बहुत जल्दी शांत होने लगा, शांत होने लगा, शांत होने लगा। जैसे ही आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, आप गहरी नींद में चले जाएंगे, आप सोने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। साथियों, गहरी नींद हमारे शांत मन और शरीर का ही परिणाम है। अब आप अपने शरीर को भी पूरी तरह से रिलैक्स कर चुके हैं, शांत कर चुके हैं, मन भी आपका फाइनल स्टेज पर जाकर के पूरी तरह से शांत हो जाएगा। आप बहुत जल्दी गहरी नींद में चले जाएंगे, नींद इतनी गहरी होगी कि अब आपको सपने परेशान नहीं करेंगे, अब आपके अंदर पूरी तरह से एक नेचुरल यूनिवर्सल हीलिंग शुरू हो जाएगी, आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हील होने लगेंगे।
अब आप जब सुबह उठेंगे तो निश्चित ही फ्रेश अपने आप में महसूस करेंगे, आपका दिन भी अच्छा बीतेगा, आपको परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। साथियों, ये स्टेप मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि आप इन्हें हर रात सोने से पहले अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो बहुत ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि सीधा लेटना है, हलचल नहीं होनी है, अपना ध्यान पहले बाहर की आवाज़ों पर लगाना है, विरोध नहीं करना है, बस एक हो जाना है, स्वीकार करना है, उसके बाद में अपने कमरे की आवाज़ होंगी, उसके बाद आपका ध्यान आपके शरीर पर होगा, कहीं पर दर्द पीड़ा पेन है तो वहाँ पर ध्यान को लगाए रखें, रिलैक्स महसूस करते जाएँ, अपने ध्यान को फिर पैर से सर तक, सर से पैर तक ले जाएं, रिलैक्स महसूस करते जाएं, शांत हूँ महसूस करते जाएं, रिलैक्स महसूस करते जाएं। इसके बाद में बस अपना ध्यान आप अपने श्वास पर जोड़ लीजिएगा, धीरे धीरे मन भी शांत होगा, शरीर भी शांत होगा, इसी का बाय प्रोडक्ट आपकी गहरी नींद होगी। साथियों, ये एक ऐसा अनुभव है, यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी खोई हुई गहरी नींद आपको वापस मिल जाएगी, आपकी अनेक तरह की हीलिंग शुरू हो जाएंगी, आपका जीवन में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। अनुभव जरूर करना, आपको फायदा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करना, रिजल्ट्स निश्चित ही आपको बेहतर मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।